ओवरसीज प्राइम वन सेक्टर सी सेक्टर डी और सेक्टर ई में डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज ऑफ फर्स्ट ऑफ मार्च 2023 ट्वेंटी थ्री इस वीडियो में आपको तमाम साइट की जो अपडेट है वो एक्सप्लेन करूंगा नंबर वन नंबर टू गूगल अर्थ लोकेशन की मदद से कि आपको तमाम चीज़ें कि इन ब्लॉग्स की एक्सेस कितनी पॉसिबल है इसमें कौन सी इम्यूनिटीज़ आस पास आपके लोकेटेड हैं तमाम चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल के सेक्टर सी सेक्टर डी और सेक्टर ई e की तरह मैंने पहले सेक्टर ए और सेक्टर बी की डिटेल से वीडियो बनाई है जस्ट फॉर द रिकॉर्ड ये तमाम के तमाम जो ब्लॉक्स हैं सेक्टर ए से लेकर सेक्टर एच तक ओवरसीज प्राइम वन में इनमें में पोजेशन अवेलेबल है सोसाइटी की तरफ से अगर आप चाहें तो अपने प्लॉट्स पे पोजेशन अप्लाई करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं सोसाइटी की तरफ से आपको परमिशन है ये सेक्टर डी की फोटोज़ को स्क्रीन पर देखते हैं पर्सनली मुझे सेक्टर डी और ई और सी ब्लॉक ज़्यादा पसंद है एफ ब्लॉक की तरह एफ ब्लॉक कनाल के प्रेफरेंस से और डी और ई ब्लॉक जो है मुझे रेफरेंस से पसंद है बिकॉज के इनकी एलिवेशन और आपको जो थ्री व्यू मिलता है राइट right नाउ मैं ड्रोन को बहुत ज़्यादा को एलिवेशन से नहीं उड़ा रहा इट वुड बी अराउंड हंड्रेड ट्वेंटी फीट तो आपको 360 डिग्री अगर देखें तो आपको हर तरफ एक बहुत अच्छी एलिवेशन मिलती है पहाड़ों का व्यू मिलता है लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी मिलती है तो ये अच्छी बात है ओवरसीज़ प्राइम वन की ओवरसीज़ प्राइम वन जो था, वो बाकी ब्लॉक के नस्पत या बाकी डिस्ट्रिक्ट के नस्पत जो पहले लॉन्च किए गए थे उनसे ज़्यादा एलिवेटेड था और इसमें कुछ सेक्टर्स हैं जो डिप्रेशन देप, में हैं जैसे सेक्टर बी है या सेक्टर ए है लेकिन डिस्पाइट दैट सेक्टर डी सेक्टर सी सेक्टर ई e, सेक्टर एफ ये जो ब्लॉक सेक्टर्स हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है रीसेल में बाय करने के लिए क्योंकि आप कैपिटल स्मारिटी की तरफ से आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्रोडक्ट्स टोटली रीसेल में कन्वर्ट हो जाएंगी कैश पे तो अगर आपको कैश और प्रॉपर्टी बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गो फॉर इफ यू वॉन्ट टू बाय अ प्लॉट ऑफ सेवन मरला गो फॉर सेक्टर डी इफ यू वॉन्ट टू अ प्लॉट ऑफ ट्वेल्व मरला गो फॉर सेक्टर सी इफ यू वॉन्ट टू बाय अ प्लॉट ऑफ वन कनाल गो फॉर सेक्टर एफ दैट्स इट क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं इनकी एलिवेशन मैटर करती है राइट नाउ अगर आप यहां पे घर बनाएंगे तो आपने इस पॉइंट से घर बनाना है कि आप घर से व्यू क्या बनता है क्योंकि सेक्टर डी सबसे एलिवेटेड सेक्टर है सात मरला की कटिंग में से तो सेक्टर डी से आपको अगर आप इसमें हाइट ऐड करें घर की थर्टी एट फीट तो थर्टी एट फीट ऐड करने के बाद आपको चहान डैम का व्यू मिलेगा जो कि एक वाटर बॉडी है इस्लाम में पहाड़ों के दरमियान रहते हुए आपको अगर वाटर बॉडी का व्यू मिल रहा है तो इट मीन समथिंग दूसरी तरफ से आपको खारीमरत रेंज का व्यू मिलता है इट मीन समथिंग और तीसरी तरफ से आपको जरार कैम का व्यू मिलता है इट मीन समथिंग तो ये ओवरऑल एलिवेशन जो है तीनों ये जो सेक्टर्स हैं इनकी बहुत अच्छी बनती है बाकी जो सेक्टर्स हैं वो हर लिहाज हर ब्लॉक के अंदर एक सेपरेट स्ट्रीट्स हैं या सेपरेट कटिंग्स एरिया हैं कि जिसमें एलिवेशन बहुत अच्छी है और कुछ में ऐसे हैं जो डिप्रेशन का एरिया है बट वी वॉन्ट वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो इस वीडियो हम सिर्फ इस सेक्टर के सी के डी के और ई e सेक्टर के हम ओवरऑल जो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन से स्ट्रीट्स और कौन से प्लाट गूगल लोकेशन के मुताबिक जो डिवेलप हैं पोजेशनेबल हैं और कौन से प्लॉट हैं जिनका पोजेशन तो सोसाइटी की तरफ से अवेलेबल है बट साइड पर जैसे आपको सामने सेक्टर ई नज़र आ रहा है सेक्टर ई में सिर्फ ब्राउनिंग हुई है और कुछ जगह पे लेआउट प्लान कटिंग हुई है बाकी ऐसा है सेक्टर ई में कोई काम नहीं हुआ तो सेक्टर ई के जो मेंबर्स हैं उनको तो अवेलेबल है सोसाइटी की तरफ से डेवलपमेंट चार्जेस भी लग गए हैं बट उनकी साइड पर आपको नजर आ रही है कि आपको सामने सेक्टर डी की तमाम की तमाम की स्ट्रीट बड़ी क्लियरली विजिबल कि सेक्टर डी में हाल क्या है पीछे सेक्टर सी वाली साइड पर भी क्योंकि छोटा ब्लॉक है सेक्टर सी उसमें भी काफी हद तक कटिंग जो लेवलिंग है स्ट्रीट का लेआउट प्लान है क्लियर हो जाता है लेकिन सेक्टर ई में यह चीज पॉसिबल नहीं है तो यह सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होंगी बिफोर दैट सबसे पहले जाते हैं गूगल लोकेशन पे और उसमें तमाम डिस्कस करते हैं पहले सेक्टर सी को फिर सेक्टर डी को और सेक्टर ई e को दिट प्लस तो अगर आपका जिस सेक्टर में प्लॉट है डायरेक्टली टाइम स्टैम से हिट करके आप वो सेक्टर की वीडियो देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग होल वीडियो तो आपको काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कहा स्टैंड करती है इस कैपिटल का मास्टर प्लान देख सकते हैं और मास्टर प्लान में जिस स्पेसिफिक सेक्टर के हवाले से आज की वीडियो है दैट इज सेक्टर सी डी एंड ई ये जो एरिया सारा मैं बाद में मैय भी कर दूँगा कितना एरिया बनता है एंड ओवरऑल बाकी चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ओवरऑल लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस ब्लॉक का इंटरचेंज एक्सेस कितना होता है मैं अल्टरनेटिव रूट मैयर नहीं करूँगा मैं डायरेक्टली जो आज की रूट क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो जस्ट टू कट इट शॉर्ट हम मैयर करेंगे कि आज के डेट में अगर लट से आप मोटरवे एम से आते हैं और वैसे तो ये अंदर से डॉक्टर ने किया के अंदर से रास्ता अवेलेबल है बट हम डायरेक्टली मयूर करते हैं कि ओवरऑल इस पॉइंट तक एक्सेस जो है वो कितनी डिस्टेंस बनता है ताकि मेम्बर्स को इन जनरल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि जहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी बाई की है ओवरऑल उस प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या बनती है सो राइट नाउ इस पॉइंट तक बनती है 5.66 किलोमीटर तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट काउंट करता हूँ अगर तो अगर आपने ब्लॉक ई तक आना है ओवरसीज प्राइम वन ब्लॉक ई तो आपके पास जो डिस्टेंस बनेगा दैट इज़ फाइव पॉइंट नाइन फाइव किलोमीटर इससे मैं अल्टरनेटिव रूट मैय कर सकता हूँ यानी कि इस साइड से होके इस साइड से भी बट टू कट इट शॉर्ट बस यही काफ़ी है कि फाइव पॉइंट तकरीबन आपको छः किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इंटरचेंज से आने के लिए अगर आप आज का रूट इस्तेमाल करते हैं यानी आज की डेट में अगर आप साइट विजिट करते हैं तो आपको जो टाइम लगेगा वो अप्रोक्सीमेट टाइम तो तकरीबन पाँच से सात मिनट का होगा बट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस दैट इज़ सिक्स किलोमीटर मिनिमम अभी इसी में मगर मैं ऐड कर लूँ बाकी बल्कि मैं प्राइम का ऐप से फ़ोन करता हूँ बाकी मैं ख़त्म कर देता हूँ अगर इसी में बाकी मैं डी ब्लॉक ऐड करूँगा डी ब्लॉक तक डिस्टेंस कितना बनेगा वैसे तो यहाँ से भी डी ब्लॉक जा सकते हैं तो लेकिन हम यहाँ से काउंट करते हैं सी और डी ब्लॉक का एंट्री पॉइंट दैट वुड बी अराउंड सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स किलोमीटर तो जो ई ब्लॉक है उस तक डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट सिक्स किलोमीटर और इस पर जो ई सी और डी ब्लॉक है वो अप्रोसीमेट डिस्टेंस बनता है अराउंड पौने सात किलोमीटर या सात किलोमीटर कर लें ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बनता है एवरेज अगर आप आज की डेट में स्मार्ट सिटी विजिट करते हैं स्पेसिफिकली और प्रॉपर्टी विजिट करते हैं अपनी तो आपको ये वाला रूट इस्तेमाल करना पड़ता है लाइक like, वैसे टेक्निकली ये अंदर से यहाँ से रह के रास्ता आता है उससे कोई हाफ किलोमीटर कम हो जाता है बट हम यही मैयर कर लेते हैं जी ये ये रूट मैयर कर लें अगर तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट सिक्स पॉइंट टू नाइन किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है अगर आप इस रूट से आते हैं सेक्टर डी सेक्टर ई e और सेक्टर सी की तरफ अब जी इसके बाद सेकंड पॉइंट इस कि सेक्टर डी सेक्टर ई e की जो चार साइड्स हैं वो कौन सी बनती हैं तो चार साइड्स देख लेते हैं पहले बल्कि पहले एरिया मैयर कर लेते हैं कि टोटल इनका एरिया कितना बनता है सारे सेक्टर्स का ना ताकि फिर उसके बाद बल्कि साइड्स का मेयर कर लेते हैं सेक्टर सी की नॉर्थ साइड पर बनता है आपका सेक्टर बी एंड ईस्ट साइड पर बनता है कमर्शियल इसकी वेस्ट साइड पर बनता है आपका ये ओपन टेरेसिज हैं यहाँ पे फ्यूचर में कुछ बनेगा बट राइट नाम एम नॉट श्योर sure कि आप क्या बनेगा बट डेफिनेटली यहाँ पे जो भी चीज़ बनेगी वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी क्योंकि ये इसके साथ बिल्कुल आपको कमर्शियल की पार्किंग भी नज़र आ रही है एंड मोस्ट प्रोबली यहाँ पे कुछ विला विलाज वगैरह या अपार्टमेंट्स वगैरह हाई रेस्ट बनेंगे बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस राइट नाउ Uh, e नेक्स्ट uh, इसके इसकी साउथ साइड देखें साउथ साइड पर सेक्टर डी और सेक्टर ई बनता है सेक्टर सी के इसके बाद सेक्टर डी पे जाते हैं तो सेक्टर डी के अंदर जो है इसकी नॉर्थ साइड पर सेक्टर सी है ईस्ट साइड पे कमर्शियल्स हैं इसकी वेस्ट साइड पे आपका सेक्टर ई है और साउथ साइड पे इसके सेक्टर जी प्लस एक वाटर बॉडी प्लस यहाँ पे कुछ ओपन एरिया भी मौजूद है सेक्टर डी के साथ एडजस्टेंट और सेक्टर ई e के साथ एडजस्टेंट भी है एंड सेक्टर जी के साथ भी एडजस्टेंट है बट ये ओवरऑल अवेलेबल ऑप्शन यहाँ पे है नेक्स्ट इज सेक्टर ई ई e की अगर नॉर्थ साइड देखें तो नॉर्थ साइड पर आपका बनता है सेक्टर सी ईस्ट साइड पर सेक्टर डी एंड इसकी वेस्ट साइड पर सेक्टर एफ एंड साउथ साइड पर इसके बनता है सेक्टर जी ये तो होगी इसकी ओवरऑल तमाम चीज़ें अब जी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसकी वजह से लोग ये वीडियो देखने आते हैं मकान स्टेशन के चैनल पे दैट इज़ द मैप एक्सप्लेनेशन और उस मैप एक्सप्लेनेशन में स्पेसिफिकली एलिवेशन ऑफ द प्लॉट्स कि उसमें एलिवेशन किस तरह से बनती है अच्छा जी हम स्टार्ट करते हैं सेक्टर सी से फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर सी के अंदर देखते हैं हम कि कौन से प्लॉट की डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है राइट नाउ अभी जो अपडेटेड इमेजेस हैं गूगल अर्थ पे दीज आर इमेजेस ऑफ दिसंबर 2022 अब इसमें फरवरी या मार्च की इमेजेस ऐड नहीं हुई क्योंकि आपको डायरेक्ट डेट यहाँ से ये यह नजर आ रही है मैं रिवर्स करूँ तो ये इमेज हैं मार्च के तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेक्टर सी में जाते हैं तो सेक्टर सी में मेन रोड में जितने प्लॉट हैं प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर थर्टी uh, फाइव तकरीबन तमाम मेन रोड से मुला है कि ये जो आपको रोड नजर आ रहे हैं यहाँ पे रोड फोर इसको जो फेसिंग प्लॉट है सारे के सारे प्लॉट डेवलप्ड हैं और प्रोजेशनेबल हैं मेन की बैक पे जितने प्लॉट हैं प्लॉट नंबर फिफ्टीन टू तो प्लॉट नंबर सिक्सटीन तमाम के तमाम स्ट्रीट वन पे जितने प्लाट्स हैं डेवलप्ड हैं और प्रोजेशनेबल हैं एंड मतलब किसी के नीचे ऐसा ग्रीन पार्ट बेसिकली देखना चाह रहा हूँ वो तो नहीं है लेकिन सी ब्लॉक में ओवरऑल इन जनरल तमाम के तमाम प्लॉट की कटिंग जो है हो चुकी है तो उसमें ज़्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है सी ब्लॉक में वो उसकी एलिवेशन है कि किन मेंबर्स के प्लॉट किस एरिया में आते हैं तो आपको यहाँ से अंदाज़ा मिल जाएगा आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल एलिवेशन क्या बनती है तो सबसे पहले जी अब इसमें अगर आप देखते हैं जाते हैं सबसे पहले जी प्लॉट नंबर लेन वन पे जाते हैं प्लॉट सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह ये वाले जो प्लॉट हैं कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ इन सी ब्लॉक ये एक डाउन स्लोप एलिवेशन है यानी कि ये डिप्रेशन नहीं है फिलिंग नहीं है कटिंग है बट ये डाउन स्लोप कटिंग है और सेम फॉर प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर सिक्स ऑन द मेन रोड ये प्लॉट भी इस तरह डाउनवर्ड आते हैं यानी कि नीचे की तरफ आते हैं तो ये आपको ये एक लट से एलिवेटेड पॉइंट है लट से फॉर एग्जाम्पल असल यहाँ पर कोई घर ना हो बारिश हो रही हो तो जब पानी होगा वो यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो करेगा इस तरफ तो ये आखिरी पट्टी जो है ये भी सारी की सारी ये वैसे आज की डेट में सारी जमीन आपने वीडियो में देख ली है सारी की सारी जमीन लेवल्ड है इसमें कोई वो मसला नहीं है मैं बात कर रहा हूं कि बिफोर डेवलपमेंट यहाँ पे एलिवेशन लैंड की कैसी थी उसके हवाले से तो इस स्लोप में ये वाली साइट है स्लोप की तरफ आती है अगर हम इस स्ट्रीट पर जाते हैं अब मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लाट मेरे सबसे फेवरेट है और मेरे जितने पर्सनल जानने वाले मेम्बर्स हैं इंक्लूडिंग शहरियर भाई एंड काफ़ी मेरे करीबी दोस्त हैं उन लोगों के मैंने प्लाट्स इस जगह पर एलोकेट करवाए थे बिकॉज ऑफ फ्रंट बैक ओपन और बैक साइड पर आपको काफ़ी ज़्यादा ना आपको एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है जो सोसाइटी मेरे ख्याल में उसका चार्ज नहीं कर सकती बिकॉज वो लैंड पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो फॉर एग्जांपल आप ये प्लॉट देख लें ये प्लॉट नंबर लेट्स से थर्टी नाइन है थर्टी नाइन की बैक साइड पे जाकर स्लोप जो बनती है वो यहाँ बनती है यानी कि यहाँ पर जाके वो ये इस साइड से यहाँ पर यूँ आ रही है और यहाँ से कटिंग वाला एरिया तो यहाँ पे हल्का सा लेवल करके इसको बैलेंस करके आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड मिलती है जिस जिसपे आप गार्डन बना सकते हैं और सोसाइटी इसको एप्रिशिएट करेगी आपको इस बहुत डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करेगी अगर आप घर में गार्डन बनाते हैं बैक साइड पर तो लैंड दैट दैट लैंड इज़ टोटली यूजेबल इनफैक्ट सोसाइटी ने भी ये लैंड जो है दैट इज़ प्योरली रिजर्व फॉर हॉर्टिकल्चर इसमें कोई ऐसा जिन्होंने बिजनेस के लिए यहाँ पे कोई लैंड नहीं बेची कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करें या कोई सारा काम हो दैट इज़ टोटली रिजर्व फॉर हॉर्टिकल्चर नेक्स्ट इज़ कि इस ब्लॉक में अगर आ जाएँ सी ब्लॉक में तो आप स्ट्रीट वन टू सिक्स लेन लेन वन पे देखें तो ये सत्रह से लेके बाईस तक जो प्लॉट हैं वो स्लोप ही हैं प्लॉट नंबर छः से प्लॉट नंबर एक तक जो है वो सारे के सारे अपर स्लोप पे आते हैं फिर आगे लेन टू पर जाते हैं तो प्लॉट नंबर सेवन टू प्लॉट नंबर टेन लोअर स्लोप पे हैं और एट नंबर प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर सिक्स हायर स्लोप पे आते हैं सेम फिर आगे जाके लेन पे जाते हैं इस मैं मैं एलिवेटेड पॉइंट एक्सप्लेन करूँ तो अगर एलिवेटेड पॉइंट जो बनता है वो बनती है लेन नंबर फोर प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर फाइव एंड लेन नंबर फाइव प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर फाइव ये जो दस प्लॉट है ना ये इस ब्लॉक का समझ लेके मीनार है यानी कि यहीं पे सबसे एलिवेटेड पॉइंट है यही बनता है बाकी जो प्लॉट्स हैं वो इससे नीचे ही बनते हैं अभी परली साइड पे देखें ये सारी डिप्रेशन है ये बैक साइड पे देखें ये भी सारी डिप्रेशन है एंड ये वाले प्लाट्स सारे ना एलिवेटेड हैं याद रहे कि ये सारी की सारी जमीन लेवल है इसमें भी आज तक वो भी वो नहीं है सीन के कटिंग मतलब सारों की होगी है लेवल यानी कि ग्राउंड इस लेवल पे इस बल्कि इस लेवल पे इस लेवल पे सारे प्लाटों को लाया गया यानी कि अगर आप वैसे रूटीन में देखें तो आपको ये स्लोप नजर आती थी ब्लॉक स्टार्ट होने से पहले आज तक आजकल आज सारे प्लॉट इस लेवल पे आए हुए हैं बट पॉइंट टू एक्सप्लेन इज कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको जो जितना एक्सपेंस है उतना ही कम हो जाता है जैसे आई मेट रिजवान मुफ्ती रिजवान टू डेट इफ यू इज वॉचिंग दिस वीडियो इन हेड ऑफिस ही इज़ डूइंग फोर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन हीज फ्रॉम यू के ही इज़ डूइंग फोर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन कैपिटल स्मार एंड वी यर स्पीकिंग अबाउट हिम दैट के साइड पे जितनी कटिंग वाली लैंड आपको मिलेगी उतनी आपको बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में जाके इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिकॉज पाइलिंग कॉस्ट सिर्फ लेबर लेबर काउंट करें ना तो अच्छी खासी कॉस्ट बन जाती है आई वॉन्ट गोइंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर कि कितनी कॉस्ट बन जाती है तो लेकिन बहुत पैसा आपका एक्स्ट्रा खर्च होता है इफ़ यू वॉन्ट टू गो विद दैट पाइलिंग स्टाफ जरूरत तो है पाइलिंग घर में करनी चाहिए बट यू हैव टू स्पेंड अलॉट यू हैव टू बी अ रिच मैन टू डू दैट जॉब अच्छा जी सी ब्लॉक में बाकी देखिए इसमें दो प्लॉट अम्यूनिटीज़ के लिए रिजर्व हैं ये जो प्लॉट है ये आपका बड़ा प्लॉट है यहाँ पे यहाँ तो मस्जिद बनेगी या स्कूल बनेगा यहाँ फिर यहाँ पे कोई हॉस्पिटल या कोई और चीज़ बनेगी बट ये प्लॉट है सोसाइटी का के लिए रिजर्व है इसी के साथ एडजस्ट इसकी क्लास्टी मार्केट है चार मरला की कमर्शियल की ये जो क्लास्टी मार्केट है ये बिल्कुल एडजस्टेंट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये सी ब्लॉक और ई ब्लॉक ये म्यूचुअल मार्केट कह लें बट ई ब्लॉक एक सेपरेट मार्केट है इस साइड पे बट इसको तो आप डी ब्लॉक के अंदर चूंकि कोई मार्केट नहीं है तो डी ब्लॉक सी ब्लॉक का म्यूचुअल छोटा सा मर्कज़ कह लें यहाँ पर सिर्फ चार मरला कमर्शियल प्लाट है ये तो ये सी ब्लॉक की एलिवेशन होगी कि सी ब्लॉक में सबसे एलिवेटेड है वो लेन फाइफ और लेन फोर है जो सबसे ज़्यादा बाकी सारा एरिया लेवल्ड हो चुका है लेकिन ये ओवरऑल एलिवेशन का जिक्र था अब चलते हैं डी ब्लॉक पर क्योंकि कंबाइंड वीडियो तो मैं इस कंबाइंड वीडियो, तो वीडियो में ट्राई करूंगा जितना डिटेल से जा सकता हूँ उतना डिटेल से एक्सप्लेन करूं ताकि मेंबर्स को अपने प्लॉट की क्लियरली अपडेट मिल जाए याद है कि डी ब्लॉक सारा का सारा जो है वो सब डेवलप हो चुका है सी ब्लॉक में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो नॉन डेवलप्ड हो सेक्टर डी में सिर्फ और सिर्फ सात मल्ह कटिंग रिजर्व है यानी कि इसके अलावा कोई कटिंग यह मौजूद नहीं है मैं सेक्टर सी में साजिदाना भूल गया कि सिर्फ सिर्फ बारह मरला के प्लाट हैं और बारह मरला की डायमेंशन की अगर कर बात करें तो इसकी डायमेंशन कुछ क्यों बनती है फोर्टी ये फोर्टी फीट फ्रंट है एंड सिक्सटी एट फीट डेप्थ है और स्क्वेयर यार्ड में बात करें तो तीन सौ गज़ यानी थ्री हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड और मरलों में बात करें तो बारह मरला आप इसको कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं बट ओवरऑल इसमें एलिवेशन ये इसमें कटिंग्स बनती हैं सेक्टर सी में सेक्टर डी की बात करें तो सेक्टर डी में बनती है सात मरला की कटिंग्स थर्टी बाई फिफ्टी थ्री के प्लॉट हैं यानी थर्टी फीट फ्रंट एंड फिफ्टी थ्री फीट डेप्थ स्क्योर यार्ड में बात करें वन सेवेंटी फाइव स्क्यर यार्ड और मरलों में बात करें तो सात मल्ला अब डी ब्लॉक के अगर एलिवेशन की बात करें तो डी ब्लॉक में एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पार्ट है स्पेसिफिकली मैं प्लॉट नंबर अगर मैंशन भी कर दूँ इफ द मेम्बर्स डोंट माइंड प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर सिक्स ये स्ट्रीट बनती है स्ट्रीट नंबर फोर ये डिप्रेशन का पार्ट है प्लॉट नंबर फोटी फोर टू प्लॉट नंबर फोट फिफ्टी ये जो पार्ट है ये भी डिप्रेशन का पार्ट है आपको नजर आ रहा है यहाँ से क्योंकि एक्चुअली ये साइड पे जब एरिया ये गूगल अर्थ की जो है ना ये आपको जियो इन्फॉर्मेटिस जी आई एस जियो इन्फॉर्मेटिक स्टडीज़ पर आपको इसकी अच्छी एलिवेशन का आइडिया मिल जाएगा मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं उसका बट आप अपनी ऑन पर चाहें तो किसी सिविल इंजीनियर से कंसल्ट कर लें तो ही विल गाइड यू अबाउट दिस जी आई एस के बारे में तो ये वाले प्लॉट डिप्रेशन के बनते हैं प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर इसी स्ट्रीट पर प्लॉट स्ट्रीट नंबर थ्री पे प्लाट वन टू प्लॉट नंबर एट कह लें ये डिप्रेशन के प्लॉट हैं और इस तरह प्लाट नंबर वन टू तो प्लाट नंबर स्ट्रीट नंबर फ़ाइव पे प्लाट नंबर वन टू तो प्लाट नंबर सेवन या सिक्स कह लें फिर आगे इस, इसी सी सीक्वेंस में चलते रहें आप तो हर स्ट्रीट पे जो शुरू के कुछ प्लॉट्स हैं मैं मैप क्लियर करके बताता हूँ को प्लॉट नंबर 50 प्लॉट नंबर 43 42 फोटी यहाँ से लेकर 50 तक और बाकी इस तरह सारे इस, इस साइड पे ये आपको डिप्रेशन का पार्ट नज़र आता है यूँ स्लोप थोड़ी ढलवान नजर आती है और कटिंग वाली साइड की बात करें तो बाकी एरिया जितना बनता है ये बहुत ही आउट कटिंग है यहाँ पर यानी कि सारी एरिया एलिवेटेड था राइट नाउ पूरा ब्लॉक जो है वो ग्राउंड जीरो पर इस तरह का ब्लॉक हो गया इस लेवल पर आ गया यानी इस तरह का लेवल ब्लॉक आपने देखिए स्ट्रीट से अभी तो स्ट्रीट सारी बिल्कुल क्लियर आपको नजर आती है कोई किसी में कटिंग फिलिंग नजर नहीं आती बट एक्चुअल जो जीआईएस है उसके मुताबिक ये वाला जो पार्ट बनता है सारा आपका डिप्रेशन का है मैं अगर मार्क करता जाऊँ साथ, -साथ और बाकी नीचे वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है ये कटिंग वाला पार्ट है इसकी चार साइड्स की मैं पहले बता तो चुका हूँ आपको नॉर्थ साइड ईस्ट साइड वेस्ट साउथ साउथ साइड पर क्या बनता है तो उसका आपको ऑलरेडी आइडिया है इसमें जो ब्राउन बॉक्स आपको नजर आ रही है ये प्लॉट है रिजर्व फॉर बिलास और ये वाले प्लॉट्स भी रिजर्व है फॉर बिलास इस ब्लॉक में अगर बात की जाए टोटल स्ट्रीट्स की लेन तो इसमें एक ही बनती है और एक ये लेन ले दो लेंस बनती हैं और स्ट्रीट्स की बात की जाए तो स्ट्रीट नंबर इसमें नाइन स्ट्रीट्स हैं और एक मेन रोड ये वाली आती है जिसे रोड फोर कहते हैं अब आते हैं जो डी ई ब्लॉक पे ई ब्लॉक की जो एलिवेशन है उसमें भी आपको ये जो पार्क वाला एरिया है सारा इसमें थोड़ी सी आपको डिप, डिप्रेशन तो नहीं खैर कहना चाहिए इसको क्योंकि ये डिप्रेशन हो सकती है या बी ब्लॉक में ये डिप्रेशन हो सकती है ये वाला एरिया जो था कटिंग ही थी बट ये थोड़ी सी स्लोप है बाकी ई e ब्लॉक सारा आउटस्टैंडिंग कटिंग यानी कि आउटस्टैंडिंग लैंड आउटस्टैंडिंग कटिंग हर लिहाज से बहुत बेहतरीन है इसलिए शायद इसमें वक्त लग रहा है डेवलप करने में क्योंकि इसकी कटिंग का काम बहुत ज़्यादा है और इसलिए साइड पर भी आपको ई e ब्लॉक के सारी प्रीमिस में सिर्फ कटिंग होती नज़र आएगी डंपर्स यहाँ से मिट्टी बस लेकर दूसरी जगह फेंक रहे हैं वो वाला पार्ट नज़र आएगा उस तरह से आपको ई e ब्लॉक में स्ट्रीट्स नजर नहीं आती जिस तरह आपको सेक्टर डी में नाइन की नाइन स्ट्रीट्स और टू की टू लेन्स मुकम्मल कारपेटिंग नेट नज़र आती हैं अगर आपका डी ब्लॉक में प्लॉट है तो यू कैन अप्लाई फॉर पोजेशन तकरीबन आपको इसमें दो से तीन महीने का टाइम लगता है एंड इफ़ यू हर हैविंग अ प्लॉट इन सेक्टर डी ई सॉरी ई फर एको और इस सेक्टर में भी आपका प्लॉट है तो यू कैन अप्लाई फॉर पोजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड सोसाइटी की तरफ से आपको पोजेशन का अप्रूवल है अपलाई करेंगे तो दो से तीन महीने का टाइम तो वैसे भी आपको चाहिए बिफोर कंस्ट्रक्शन एंड उसके बाद फिर आपके पास प्रॉपरली एक uh, सोसाइटी आपको विंडो दे देगी दे इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन तो ये है सेक्टर वाइज सेक्टर सी सेक्टर डी एंड सेक्टर ई का अब इसमें मैंने आपको जो रेट किया चीज़ वो ये रिलेट किया कि आपको ओवरऑल डिस्टेंस कितना पड़ता है तो आपको छः किलोमीटर और पौने सात किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है इंटरचेंज से इफ़ यू मार्क टूडेज़ डेट आज की डेट अप्लाई करते हैं तो आपको ये डिस्टेंस पड़ता है फ्यूचर में जाके बीच में ये वाला ब्रिज बन जाएगा यहाँ से ये वाला ब्रिज कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ से भी एक शॉर्ट रस्ट पड़ेगा यानी कि इंटरचेंज से कराते हैं मैं मेयर कर देता हूँ जस्ट फॉर द मेबर जिनको लगे यार के इंटरचेंज से दूर तो नहीं ज़्यादा बैठे तो मैं मेयर भी कर देता हूँ आप यहाँ से इंटरचेंज से उतरते हैं मास्टर प्लान में देख लेते हैं से गलती होगी यहां पे यहां से इंटरचेंज से उतरते हैं इस साइड पर मैं पाथ ड्रॉ करना था मैंने लाइन ड्रॉ ओके स्टार्टिंग पॉइंट इज से जाते हैं सेक्टर ई की तरफ तो आपको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस अराउंड पाँच किलोमीटर पड़ता था तो एक किलोमीटर का डिस्टेंस आपका कट हो जाएगा वैन दिस ब्रिज विल भी ऑपरेशन राइट नाउ दिस ब्रिज इज अबाउट टू बी ऑपरेश इन अ मंथ और सो तो ये आपको काफ़ी विंडो यहाँ से मिल जाएगी अबाउट एंट्रेंस ब्रिज अच्छा जी और सिस प्राइम वन में बाकी ओवरऑल इस साइड में जितने प्लॉट्स हैं रिसेंट डेज में मैंने एक्सप्लेन भी की थी चीज़ कि इस साइड पर जितने प्लाट्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर ये है कि इस तरह से सोसाइटी ने रोड या वो गूगल फिर रोड नजर भी आ रहा है कच्चा रस्ता यहाँ बट एक्चुअली यहाँ पे कारपेटिंग हो रही है आज की डेट में कटिंग हो रही है और यहाँ से कारपेटिंग हो रही है तो इस एंट्रेंस ब्रिज से लेके यानी यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको मुकम्मल नेट कारपेटिंग मिलेगी तो आप बड़ा इजीली कम्यूट कर सकते हैं इफ़ यू अप्लाई फॉर पोजेशन इन कैपिटल स्मार्टी ओवरसीज़ प्राइम वन अब चक्री रोड से आएँ मोटरवे से आए यू विल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन द ब्लॉक तो ये दी एवरऑल गूगल लोकेशन पर अपडेटेड इमेजेस अब इसका टोटल एरिया भी कवर कर लेते हैं कि इसमें तीनों ब्लॉक्स का मिला के एरिया कितना बनता है नेट एरिया कितना बनता है तो उससे आपको काफ़ी हद तक एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कितने बड़े ब्लॉक्स हैं जिसको सोसाइटी ने डेज में डेवलप किया तो एकड़ में बाद में देख लेंगे कि ये एरिया यहाँ से अगर स्टार्ट करें सेक्टर डी ई हम सिर्फ आउटर बाउंड्री को मेजर कर रहे हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ओके okay. मैं मैं आपको लाइट कर दूंगा ये वाला जो आपका एरिया बनता है दिस इज अराउंड वन ज़ीरो फ़ाइव एकड़स यानी कि आठ सौ कनाल के आसपास तो अगर वन जीरो फ़ाइव को कर लें आप मल्टीप्लाई बाई एट तो विल गेट द नंबर ऑफ एट हंड्रेड फोर्टी फाइव तो ये जो प्लाट्स आपके बनते हैं एट हंड्रेड फोर्टी फाइव कनाल पर इन में तीनों ब्लॉक लोकेट करते हैं जिसमें एक सेंटर में वाटर हर टेंक है जो आपको गूगल अर्थ पर नजर भी आ रहा है ये वाटर टैंक ये एक सौ पाँच एकड़ की ज़मीन में ही सारा कुछ बनता है यानी कि जितनी प्रेमिस हैं इसके अंदर ही हैं ये इस वाटर टैंक है जो साइड में बन चुका है और ये बाकी तमाम ब्लॉक्स की तरफ इसकी यानी कि सप्लाई जो होगा पानी का यहाँ से इस वाटर टैंक से, से सेक्टर सी सेक्टर डी एंड सेक्टर ई e को इक्वली सप्लाई मिलेगी पानी की और मे भी सेक्टर जी को भी सप्लाई मिलेगी क्योंकि यहाँ पर इस सेक्टर में कोई वाटर टैंक मौजूद नहीं है बाकी सेक्टर में मे बी फ्यूचर में दूसरा वाटर टैंक बने राइट नाउ इस सेक्टर में ओवरसेज प्राइम ओवरऑल एक ही वाटर टैंक बन रहा है शायद सेक्टर ए में बाद में दूसरा बने बट यूर वर्ड अभी गूगल अर्थ एर्प देखें तो जिस तरह मैंने मैप को आप आपको ये एक्सप्लेन किया कि ये वाला पार्ट जो था ये बनने से पहले की है लेकिन गूगल अर्थ पे इस तरह से रिलेट हो रहा है कि आपको अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये वाला पार्ट यूँ स्लोप में नीचे आती ये वाले जो प्लाट्स अगर मैं प्लाट्स का एग्जैक्ट बता सूँ तो प्लाट नंबर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोटी एट फिर इस तरफ प्लाट ये स्ट्रीट बनती है आपकी स्ट्रीट नंबर फाइव फिर इस स्ट्रीट पर जाएँ तो स्ट्रीट नंबर यानी मैप पर जो है ना बिल्कुल एक्यूरेटली स्ट्रीट टू स्ट्रीट रखा है और प्लाट टू प्लाट रखा है ताकि कोई बंदा ये ना कह सके कल करके हमारा प्लाट गलत दिखाया है तो आपको नीचे जहाँ पे स्ट्रीट है वहाँ पे स्ट्रीट ही नज़र आएगी ये देख लें ये स्ट्रीट है तो स्ट्रीट ही नजर आएगी और आपको सारे प्लॉट की एक्चुअल जो है ऑन ग्राउंड रियलिटी यहाँ से अंडरस्टैंड हो जाती है दिस दिस वीडियो इज़ फॉर द एंड यूजर्स ओनली अगर आपने प्लॉट अभी स्मार्ट सिटी में खरीदना है तो आपके लिए ये वीडियो देखने के लिए नहीं है उन मेबर्स के लिए जिन्होंने खरीद चुके हैं जिनके पैसे लग चुके हैं तो ये उनके लिए वीडियो है तो डोंट वेस्ट योर टाइम इफ यू यूमन म एंड इन्वेस्टेड इन कैपिटल स्मार्टी स्पेसिफिकली यूनिवर्सिजी प्राइम वन सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग दिस वीडियो क्योंकि वैसे बोरिंग वीडियो तो उन मेबर के लिए इंट्रस्टिंग है जिनके पैसे लगे हुए हैं डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट यहाँ पे बनता है तो ये थी ओवरऑल सेक्टर uh, मैंने जो चार एक्सप्लेन किए सेक्टर तीन सेक्टर सी सी ब्लॉक सेक्टर सी सेक्टर डी एंड सेक्टर ई ई सेक्टर में स्पेसिफिकली यही प्लॉट्स बनते हैं सेम सात मरला के थर्टी बाय सिक्सटी के और इस ब्लॉक में प्रॉपरली भी चूँकि स्ट्रीट्स नहीं बनी तो मैं आपको गूगल अर्थ वैसे दिखाता हूँ तो ये ब्लॉक कुछ इस तरह से नजर आता है आज की डेट में विद द पैसिड ऑफ टाइम जब इसमें चेंजेस आएंगे तो इनशाला मैं आपको वाले से, इस हवाले रिपीटेटिव वीडियो बना दूंगा ये वीडियो थी अपडेटेड मार्च 2023 की फर्स्ट ऑफ मार्च 2023 और आने वाले दिनों में मैं इस तरह की वीडियोस इनशाला रूटीन से बनाता रहूँगा अगेन बैक ट्वेल्थ टाइम और उससे तो अपनी स्क्रीन पे दोबारा वही सेक्टर डी के फुटेज देख सकते हैं जो मैंने भी आपको सारा मैप एक्सप्लेन किया है राइट right नाउ जो अगर आप डेवलपमेंट के बाद की फुटेज देखेंगे ना और आप उसकी एलिवेशन कंपेयर करेंगे तो सोसाइटी की तरफ से सिर्फ सेवन परसेंट की एलिवेशन छोड़ी जाती है इशली तकरीबन सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट गैप था एलिवेशन में ड्यू टू डिप्रेशन एंड ड्यू टू एलवेशन ऑफ प्लॉट्स अभी यह सोसाइटी की तरफ से सारी प्लाट्स डिवेलप करने के बाद तकरीबन सेवन परसेंट की एलिवेशन बचती है यानी कि जो ऑलरेडी एलिवेटेड प्लॉट थे वो लोएस्ट प्लॉट जो है ब्लॉक के अंदर उनसे सेवन परसेंट के गैप पर होते हैं उसे सेवन परसेंट ऊंचे होते हैं हाइट वाइज यानी कि उसकी जो एलिवेशन होती है उतनी ऊंची होती है तो मैंने आपको ओवर हेड वाटर टैंक गूगल अर्थ पर भी एक्सप्लेन किया था एंडिंग पार्ट में वो वाटर टैंक स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो वाटर हेड है इसकी वाटर की सप्लाई सेक्टर सी सेक्टर डी एंड सेक्टर सी के ई के लिए होगी और माइट बी सेट जो बाकी सेक्टर हैं उसके लिए ये हो सकता है कि सप्लाई हो जो सेक्टर ई e का मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेक्टर ई e में आपको किसी भी जगह पे क्लियरली विजिबल को रोड नजर नहीं आता ना इसकी ड्रेनेज नज़र आती है ना इसको आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई नज़र आती है सेक्टर ई e में स्पेसिफिकली जो आपकी चीज़ फील होती है दैट इज ओनली कटिंग कि सेक्टर ई e में जो पहले मिट्टी की पहाड़ियाँ बनती सारी उनको काट के उनकी एलिवेशन कम की जा रही है और उसको सेवन परसेंट तक लाया जा रहा है यानी कि लोएस्ट एलिवेशन और हाइएस्ट एलिवेशन जो दोनों में गैप होगा वो सेवन परसेंट का गैप होगा तो पर भी सोसाइटी आज के दिनों में डेवलपमेंट कर रही है एज ऑफ फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी आने वाले दिनों में जो साइट में तो मजीद चेंजेस आएंगे तो आपको इन शाला टाइम टाइम बताता रूंगा अब सेकंड इज के एक जो जनरल क्वेश्चन मेरे मेबर की तरफ से मिलता है वो वीडियो के स्टार्ट में इंटरव्यू में भूल के बताना कि वो क्वेश्चन क्या होता है वो क्वेश्चन ये है कि जो मेंबर हैं जिन पर डेवलपमेंट चार्जेस एप्लीकेबल हो गए हैं फ्रॉम द कैपिटल स्मार्ट सिटी उस डेवलपमेंट चार्जेस के हाले से बताएं कि वो जो है वो आपकी पेमेंट प्लान या कॉस्ट ऑफ लैंड पूरा होने के बाद एप्लीकेबल होने चाहिए थे अब सोसाइटी ये मेंबर्स का मौकफ़ है कि इसको लेटेस्ट स्टेज पर अप्लाई होना चाहिए था एंड द काउंटर साइड सोसाइटी की तरफ से ये बात है कि हमने चूंकि डेवलपमेंट पर पैसा लगा रहे हैं और हमें जो पहले डीजल पड़ता था एक सौ बीस रुपए लीटर आज पड़ता है तीन सौ रुपए लीटर तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट आ रही है तो हम जब बिलियंस इन्वेस्ट करें साइड पर डेवलपमेंट के लिए तो हमें डेवलपमेंट चार्जेस की मद में मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट प्लान जो दिया गया आफ्टर द पोजेशन तो उसमें डेवलपमेंट चार्जेस एड हो गए हैं तो उनको वो पेबल है सेकेंड इज के डेवलपमेंट चार्जेस सर सरचार्जेस यानी जो आपको फाइन हो रहा है डेवलपमेंट चार्जेस पे उसके हवाले से फॉर द टाइमिंग सोसाइटी ने ओवरसीज प्राइम वन के जो सरचार्जेस हैं वो वेव ऑफ करती हैं यानी वेव ऑफ से मुराद है कि वो आपको अभी एप्लीकेबल नहीं है वो पे करना जरूरी नहीं है बाकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड आपकी ड्यू इंस्टॉलमेंट है उस पर सरचार्जेस एज इट इज़ अपनी जगह स्टैंड करते हैं तो ये क्लैरफिकेशन थी कि जिन मेंबर्स के ओवरसीज़ प्राइम वन में प्लॉट्स हैं और इन प्लॉट्स पे उनको सरचार्जेस भी लगे हैं तो सरचार्जेज जो है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस पे आपको सरचार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है सेम यही सवाल था ओवरसीज़ ईस्ट के बारे में ओवरसीज़ सेंट्रल के बारे में तो ओवरसीज़ सेंट्रल पर डेवलपमेंट चार्जेस अब तक लगे नहीं है ओवरसीज़ ईस्ट पर डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जो सरचार्ज है और जो वैसे रूटीन में सरचार्ज है वो मेंबर से लिया जा रहा है उसके वेवियर नहीं किया जा रहा तो मेंबर्स जिनके पास पैसे हैं और प्रॉपर्टी भी है उनको चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी की क्लियर कर दें या सोसाइटी को अल्टरनेटिव पॉलिसी देनी चाहिए कि प्लॉट की ट्रांसफर हंड्रेड परसेंट पे ओपन कर दें ताकि जिन मेंबर को एग्जिट लेना है वो अपने प्लॉट की नेट कैश पर भेज के एग्जिट ले लें और जिन मेंबर को अभी एंटर होना स्मार्ट सिटी में आफ्टर दिस होल लैंडस्केपिंग कन्वर्जन वो अभी एंटर होकर लॉन्ग टर्म में जाकर अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकें तो मेरा ख्याल है कि स्मार्ट सिटी के अंदर यह भी ऑप्शन होना चाहिए कि मेंबर्स को नेट कैश पे प्लॉट के ट्रांसफर अलाउड होनी चाहिए या पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर आपका प्लॉट बैलेट हो चुका है तो आपका प्लॉट से नेट कैश पर ट्रांसफर होगा अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा जाहिर सी बात है इससे ट्रांसफर्स में कमी जरूर होगी बट जो मेंबर है उन्हें एग्जिट बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगा जिन्होंने स्मार्ट सिटी के अंदर दो तीन साल चार साल इन्वेस्ट करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को अभी बेचने के लिए लोगों का रास्ता देख रहे हैं कि कौन लेगा प्रॉपर्टी तो ये सारी चीजों का हाल मेरे हाल में ये ट्रांसफर पॉलिसी बनती है लेट्स सी सोसाइटी क्या करती है सो व्यस दिस वॉज इट फ्रॉम डे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट या बुकिंग वाले से किसी भी सोसाइटी में इस्लामाबाद राउल पंडियां या पाकिस्तान में कोई मालूमा चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर रबा करें इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़